मित्रों, आपके मन में भी ये ख्याल आता होगा कि आखिर धर्म के व्यापार का चलन जो आज अंधाधुंध चल रहा है वो कितना सही है। क्या दूसरी ही वस्तुओं की तरह धर्म का व्यापार भी किया जा सकता है या फिर इसे अधर्म की श्रेणी में गिना जाता है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। तो मित्रों सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर धर्म और व्यापार होता क्या है। दरअसल धर्म का अभिप्राय धारण करने से है। हमारे धर्म के अनुसार आप पवित्र कर्म और गुणों का सेवन या फिर उन्हें धारण करते हैं, ईश्वरीय उपासना करते हैं और भगवान के हर स्वरूप को मन में धारण करते हैं और यही धर्म भी है। जबकि व्यापार वस्तुओं की अदला बदली से लेकर पैसे के बदले किसी चीज को खरीदना है। धर्म जिसका मार्ग भक्ति है उसमें सिर्फ भावनाएं चलती हैं और उसमें पैसों या फिर वस्तुओं का कोई मोल नहीं होता क्योंकि ईश्वर तो भाव के ही भूखे हैं। लेकिन आजकल धर्म और व्यापार दोनों एक दूसरे के मानो पूरक बन गए हैं। ये कितना उचित और अनुचित है इसे समझने के लिए आपको श्रीराम और भरत के संवाद को समझना होगा। क्या कई ने अयोध्या नरेश दशरथ से श्रीराम को वन भेजने का वचन मांगा जिसके बाद श्रीराम लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के लिए वन को प्रस्थान कर गए। इधर जब कैकई के सुपुत्र भरत को ये बात पता चली तो वो अपने भाई से मिलने के लिए व्याकुल जंगल की ओर चल पड़े और जंगल में जाकर उन्होंने अपने बड़े भाई भगवान राम से मुलाकात की। इसी मुलाकात में भगवान श्री राम ने भरत को ऐसे कई संदेश दिए जिनका पालन करना ही धर्म है। जब भरत इस जिद पर अड़ गए कि आप अयोध्या लौट जाएं, तो श्री राम ने कहा कि हम अपने पिता के वचन का उल्लंघन नहीं कर सकते। पिता के निधन के बाद हम चारों भाइयों का ये कर्तव्य है कि उनके वचन की रक्षा करें। उन्होंने एक भाई को वन और एक भाई को राज देने का वचन दिया है तो उसका पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। एक पुत्र का ये कर्तव्य है कि वो अपने पिता के वचनों का पालन करे, यहाँ तक कि अपने सत्कर्मों से अर्जित किया हुआ पुण्य भी अपने पिता को सौंप दे ताकि परलोक में उनका उद्धार हो सके। और एक पुत्र को ऐसा कतई नहीं करना चाहिए कि वो उनके सत्कर्मों को झूठा साबित कर लज्जा से उनका सिर झुका दे। धर्म के अनुसार पुत्र को हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भगवान राम के मुख से ये बातें सुनकर भरत ने कहा, अगर ऐसा ही है तो फिर मैं वन में ही रुक जाता हूँ और आप अयोध्या लौट जाइए। प्रभु श्री राम को अपने भाई भरत से ऐसी बातों की अपेक्षा नहीं थी। मुंह में बंधे भरत की ये बात सुनकर श्री राम ने कहा, धर्म व्यापार नहीं होता जो वस्तुओं की अदला बदली कर ली जाए। अर्थात ऐसा नहीं हो सकता कि तुम वन में रहो और मैं अयोध्या चला जाऊं। पिताश्री ने मुझे वनवास का आदेश दिया था और मैं उसी वचन का पालन कर रहा हूं। धर्म के अनुसार जिसे जो आज्ञा मिले उसे वही करना चाहिए। व्यापार की तरह यहाँ वस्तुओं की अदला बदली उचित नहीं है। श्री राम ने आगे कहा कि धर्म अति कठोर और व्यक्तिगत होता है। अगर हर प्राणी अपने कर्तव्य को एक दूसरे के कंधे पर डालेगा तो सृष्टि में अनाचार फैल जाएगा और तुम अयोध्या के राजा होते हुए ऐसी बातें सोच भी कैसे सकते हो। आखिर प्रजा के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। प्रभु श्री राम की ये बातें सुनकर भी भरत को ये एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को एक व्यापार की तरह समझने की भूल की है। उन्हें वहां मौजूद ऋषि वशिष्ठ ने भी समझाने की कोशिश की और आखिरकार समझाने बुझाने पर भरत इस शर्त पर अयोध्या लौटने को तैयार हुए कि वो श्री राम की चरण पादुका को अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान करेंगे और खुद 14 साल तक भगवान राम के नाम पर ही राज्य चलाएंगे। तो मित्रों भगवान राम और भरत के बीच का ये संवाद हमें ये बताता है कि धर्म का किसी भी सूरत में व्यापार करना उचित नहीं है। और आपने भी देखा होगा कि आजकल धर्म के नाम पर लोगों का व्यापार चल रहा है। पाखंडी बाबा खुद को धार्मिक बताकर लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे अनगिनत नाम आपको मिल जाएंगे जिनके बारे में जानकर आपका धर्म से भरोसा ही उठ जाएगा। आप ये सोचेंगे कि क्या धर्म का एक पहलू ये भी है जो एक व्यापार के रूप में लोगों के सामने आ रहा है। अगर ऐसे सवाल
आपके मन में भी उठ रहे हैं, तो आपको और कुछ नहीं अपने ही धर्म शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भक्ति कोई बाहरी आडंबर नहीं बल्कि भीतरी चेतना का नाम है। धर्म के मार्ग पर चलकर ही आप भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के रस में डूब सकते हैं और मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस वीडियो के माध्यम से अपने हर प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसी के साथ अब मुझे इजाजत दे, मैं फिर लौटूंगा ऐसी ही कुछ और पौराणिक और धार्मिक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द डिवाइन टेल्स, और अंत में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।